सर्वेइंग क्या होता है और सर्वेइंग किसे कहते हैं? सर्वेइंग एक प्रकार का साइंस है जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं किसी भी पॉइंट का रिलेटिव पोजीशन क्या है, वो सरफेस के ऊपर और सरफेस के नीचे हम मेजर करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट के ज़रिए, उसे हम सर्वेइंग कहते हैं। अब सर्वेइंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, क्यों करते हैं? किसी भी भूमि का सीमांकन करने के लिए या फिर उसका मैप या मानचित्र तैयार करने के लिए सर्वेइंग किया जाता है। अब यूजेज ऑफ सर्वेइंग क्या है? सर्वेइंग हम बहुत सारी जगहों पे यूज करते हैं, जैसे बिल्डिंग, डैम, टनल, रोड्स, रेलवे लाइंस, ट्रांसमिशन लाइन इत्यादि। ये सारी जगहों पे सर्वेइंग यूज किया जाता है ताकि हमें इनका रिलेटिव हाइट एंड डिस्टेंस का पता चले। अब हम टाइप्स ऑफ सर्वे देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ सर्वे कौन कौन से हैं और क्या क्या है। टाइप्स ऑफ सर्वे में पहला होता है प्लेन सर्वे, दूसरा होता है जियोडेटिक सर्वे, तीसरा होता है टोपोग्राफिकल सर्वे, चौथा होता है कैडेस्ट्रल सर्वे, पाँचवा होता है सीटी सर्वे, छठा होता है हाइड्रोग्राफिक सर्वे, सातवा होता है इंजीनियरिंग सर्वे, आठवां होता है मिलिट्री सर्वे, नौवां होता है माइन सर्वे, दसवां होता है जियोलॉजिकल सर्वे और ग्यारहवां होता है आर्कोलॉजिकल सर्वे। ये सारे टाइप्स ऑफ सर्वेइंग हैं और उनके नाम हैं। अब हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सर्वे क्या होता है और कौन से होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सर्वे दो होते हैं, जिसमें होता है कि जब हम वर्क करते हैं तो एक पार्ट के लिए हम पूरा ले लेते हैं, एक पार्ट को हम पूरा मान लेते हैं हमेशा, ये पहला होता है। दूसरे में क्या होता है, किसी पोजीशन को मेजरमेंट करने के लिए हम दो कंट्रोल पॉइंट लेते हैं, ये प्रिंसिपल ऑफ सर्वे होता है। तो आज हमने देखा है सर्वे क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, यूजेज ऑफ सर्वे क्या है, टाइप्स ऑफ सर्वेइंग क्या आता है और प्रिंसिपल ऑफ सर्वे क्या है। ये सारी चीज़ आज हमने देखी।